हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ऑटोमेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अब सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद उसे चेक करना है कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, या इसमें कोई बग्स या एरर तो नहीं। अब जो डेवलपर है वो क्या करेगा, वो मैन्युअली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा। सॉफ्टवेयर में जो इनपुट दिया है वो आउटपुट प्रॉपर दे रहा है या नहीं। अब वो पूरा कोडिंग चेक करेगा, देन करेक्ट करेगा, देन अगेन चेक करेगा। जब हम इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देंगे तो इसे ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या। इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए डेवलपर एक अलग से स्क्रिप्ट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क। और ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा और कुछ ही देर में आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा कि कहाँ पे एरर्स है और बग्स है। तो चलिए जानते हैं हम कौन से टाइप के टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है रेग्रेशन टेस्टिंग। रेग्रेशन टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो कोड रिसेंटली चेंज हुआ है वो क्या इम्पैक्ट करता है सॉफ्टवेयर की एग्जिस्टिंग फीचर्स पे। दूसरा है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड ड्यूरेशन या कंडीशन में प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तीसरा है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर कोड के हर एक यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। फोर्थ है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है उनके बीच में कितना परफेक्ट इंटरैक्शन है वो चेक होता है। और दूसरे टाइप के ऑटोमेशन टेस्टिंग भी अवेलेबल है, सच एज डेटा ड्राइविंग टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कीवर्ड टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। चलिए जानते हैं फ्रेमवर्क्स के बारे में जो यूज होता है टेस्टिंग स्क्रिप्ट बनाने में। फ्रेमवर्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। फ्रेमवर्क के हेल्प से हमें लेस कोड टाइप करना पड़ता है। फ्रेमवर्क टेस्टिंग स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। बेसिकली फोर टाइप्स के फ्रेमवर्क यूज होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। पहला है डेटा ड्रिवन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। दूसरा है कीवर्ड ड्रिवन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तीसरा है मॉड्यूलर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। और चौथा आता है हाइब्रिड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। चलिए जानते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स। ये 70% फास्टर है मैनुअल टेस्टिंग से। ऑटोमेशन टेस्टिंग टाइम और पैसा दोनों बचाता है। ये इफिशियंसी और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम टेस्ट स्क्रिप्ट को दोबारा यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में बेसिक समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू।